अभी भी देखिए आलोक इंडस्ट्री स्टॉक प्राइस के ऊपर अभी भी देखिए 248 क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर लगा हुआ है। प्राइस देखिए 43.25 और वॉल्यूम देखिए 11,04,922। तो चलिए आज इसका इंफॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन हम लोग पूरा खुल के देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं इस स्टॉक प्राइस के ऊपर, चार्ट का ऊपर, उसके बाद देखेंगे कहाँ पे इसका सपोर्ट है। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये स्टॉक प्राइस जो है अभी पेनी स्टॉक का अंदर में नहीं है, इसलिए इसको अभी बाइंग पिच बोली या सेलिंग पिच बोली इसका अंदर नहीं जाना चाहिए, ये अभी नॉर्मल ट्रेडिंग करना चाहिए। क्यों मैं अभी बोला हूं ये भी आपको मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ओपन हुआ है 43.25, हाई हुआ है 43.25, लो गया है 43.25, क्लोज भी दिया है 43.25, पीबीएस क्लोज देखिए 45.50 और डे ट्रेडिंग रेंज देखिए 41.10 एक कल का है, अगर मैंने टुमारो का है, और 45.40 अगर अपर साइड लग जाता है तो फिर से वो 45.40 तक जा सकता है एक कल के लिए। वॉल्यूम देखिए आज का 14.99 लैक्स, 50 डेज हाई देखिए 58.50, 50 डेज लो देखिए 1.40। आज का मार्केट कैपिटल देखिए 10,058 करोड़ का आसपास में, कैटेगरी जेड में आता है। तो अब चलते चार्ट का ऊपर, क्योंकि चार्ट बहुत कुछ बोलता है कोई भी स्टॉक का ऊपर। अब देखिए मैं जो एक महीना का चार्ट का ऊपर मैं आ गया हूँ, अलग इंडस्ट्री का एनएससी का चार्ट है ये वाला। अब देखिए यहाँ पे जो अपर सर्किट मर्तमाट को ऊपर तरफ किया है, उसके बाद फिर देखिए 58.58 इसको टच करने के बाद फिर जाके देखिए अभी लोअर सर्किट मार्केट नीचे का तरफ आ रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको इस तरीके से जो कैंडलस्टिक बनता है वो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, जहाँ पे मिलेगा एकदम इतना पे नीचे। और ये है जगह में देखिए थोड़ा बहुत मतलब ओपन हुआ था सर्किट और यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ था, जिसका प्राइस रेंज देखिए 30 रुपया का आसपास में है। तो एक चीज आप देखिए, मैं पहले बार बोल चुका हूं कि कोई भी ये अभी पेनी स्टॉक का अंदर में नहीं है, ये पेनी स्टॉक से बाहर निकल गया है। तो इसका अभी जो सपोर्ट मिलता है वो सिर्फ के सिर्फ देखिए मिलता है 30 रुपीज का आसपास में। और मैं जो चीज के लिए बोल रहा था कि इसका जो नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज में आना चाहिए, हाँ सही है दोस्तों, वो बात है कि कोई भी कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है जब तक वो पेनी स्टॉक का अंडर में रहता है, वो टाइम में उसका जो मिनिमम प्राइस रेंज जो होता है वो मूवमेंट करने के लिए उसको सर्किट लगाना पड़ता है। लेकिन ये अभी पेनी स्टॉक नहीं है, ये अब पेनी स्टॉक से बाहर निकल के आ गया है, इसका भी नॉर्मल ट्रेडिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको हमेशा बाइंग फिश करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए, सर्किट देते थे नीचे की तरफ आना चाहिए, इसको नॉर्मली अभी ट्रेडिंग करना चाहिए। जब तक वो नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं करेगा तब तक उसका पर कोई बेस नहीं बनेगा, और जब तक कोई बेस नहीं बनेगा तो आपको मूवमेंट जो है आपको पता नहीं चलेगा। अब अगर नीचे भी इसको इन्वेस्ट करके रखे हो तो आप उसको बाइंग नहीं सेलिंग नहीं कर पाए वो सही टाइम में, और अगर नीचे ऊपर से अगर उस ऊपर सेलिंग भी करना चाहते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी जगह में सेलिंग करना सही रहेगा, कि उसके बाद से अगर स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा आपको वो चीज़ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए कोई भी जो कंपनी का स्टॉक प्राइस बोलिए जब तक वो 43 रुपया 25 पैसे तक जब वो आ गया है, अभी इसको बाइंग प्लीज छोड़ो, अपर सर्किट छोड़ो, सिर्फ के सिर्फ उसका सर्किट को ओपन होने दो, जो इसका जो स्टॉक प्राइस को ओपन होने पे बाइंग और सेलिंग अगर दोनों एक साथ में होगा तब जाके उसका बेस बनेगा, तब जाके आपको दिशा मिलेगा, मूवमेंट जो है बहुत हद तक ऊपर तक जा सकता है, ये मेरा मानना है। तो इसलिए मैं आपको शेयर किया हूं, अभी इसका अपर सर्किट लोअर सर्किट ये छोड़ो, एक इसको अभी नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज में आना चाहिए। और वो ट्रेडिंग रेंज जो मैं आपको बोला हूं जहां पे इसको साबित मिल सकता है वो 30 रुपीज का आसपास में, मुझे लगता है कि अगर 30 रुपीज में अगर ओपन होता है तब भी देखिए उसका जो 50 हाई था 58 के आसपास में, वहां भी कम से कम 50% का करेक्शन आप देखने को मिलेगा। तो यही है, अगर सर्किट जब तक ओपन नहीं होगा तो आपका अगर नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज में नहीं आएगा तब का स्टॉक का जो मूवमेंट आपको पता नहीं चलेगा, वहां पे बेस नहीं बनेगा। तो यही था मेरा वीडियो जो मैं बोला हूं कि सर्किट अभी नहीं चाहिए, अपर सर्किट नहीं चाहिए, सिर्फ से इसका नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज में आना चाहिए। यही मेरा वीडियो था, पसंद है जो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय।